work done by frictional force. हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक ब्लॉक को रखा है और उस ब्लॉक का मास m है, करेक्ट? नाउ उस ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, एंड इस ब्लॉक को हम लोग पोजीशन ए से पोजीशन बी पर डिस्प्लेस करते हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड एफर्ट लगाते हैं P, हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द डैश मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो अगर अप्लाइड एफर्ट यानी कि फोर्स P टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन by F, that is force of friction. तो ये आ जाएगा W is equal to F S. What is F? Mu into the normal reaction. See, Mg will act downward, the normal reaction will act upwards. तो F is equal to mu Mg. तो what is work done? That is mu Mg S. Because F is what? Mu n, that is mu mg. So students, this is the work done by the force of friction. Friction. This work done is a negative work. Why? Because displacement is from A to B and force of friction is acting opposite to the displacement. The angle between force of friction and displacement is negative. Right? 180 degree. The work is dot product. तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, एफ डॉट एस, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180, कॉस 180 इज माइनस, सो दिस वर्क डन इज नेगेटिव। दिस इज अ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द पाथ। एक साइड ट्रैक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का मास m है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो नॉर्मल रिएक्शन n है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन एंड f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं mg को डबल कर दूं, if I replace mg by 2mg, then force of friction क्या होगा, double होगा कि same रहेगा? double हो जाएगा आपके according। coefficient of friction क्या आ जाएगा, mu पे क्या असर होने वाला है, क्या mu double होगा कि half होगा? आपने force of friction double कहा, मैंने बोला okay। अगर मैं mu की बात करूं हाँ। तो mu क्या कितना हाँ। हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये गलत है, म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, म्यू डिपेंड्स अपॉन ओनली द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल रिमेन अनचेंज्ड। ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू and its weight is doubled, what happens to mu? A double, B half, C unchanged, D none. तो आप क्या लिखेंगे, unchanged, because coefficient of friction depends upon the nature of the two surfaces in contact. So long the nature of the surfaces in contact is same, coefficient of friction will remain same. अगर m 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम कर दो, म्यू विल आल्सो रिमेन द सेम। व्हाट इज म्यू फॉर 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, सेम इज ट्रू फॉर 1 ग्राम। तो म्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। एनी क्वेश्चन? थैंक यू।